आपका स्वागत है फार्मेसी सेशन में। मैं आशीष पुरी आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक होल और वीनस माउंट, यानी कि शुक्र का जो माउंट होता है, ये माउंट होता है शुक्र के माउंट पे अगर काला तिल आएगा, ब्लैक होल आएगा, तो इंसान की जिंदगी में क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, अगर ब्लैक होल कहीं पे भी आता है, चाहे वो किसी भी माउंट पे आए, किसी भी लाइन पे आए, तो एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है, अनऑस्पिशियस साइन होता है, ठीक है। तो अगर ब्लैक होल काला तिल अगर वीनस के माउंट पे आएगा तो इंसान को नकारात्मक ऊर्जा ही देगा, नेगेटिव एनर्जी देगा और इंसान को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा मैं बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए कोई मेल पर्सन है, अगर उसके हाथ में अगर ये काला तिल आ रहा है वीनस के माउंट पे, तो इंसान क्या होगा, उसे बदनामी मिलेगी फीमेल से। उसे बदनामी क्यों मिलेगी फीमेल से, क्योंकि वो क्या है कि वो फीमेल के पीछे भागेगा, उनको ब्लैकमेल करेगा, उनके साथ गलत हरकत करेगा, करेक्टरलेस बन जाएगा। तो ये इंसान करेक्टरलेस की निशानी को बताता है। तो इंसान जब ऐसे काम गलत काम करेगा फीमेल्स के प्रति, तो क्या होगा कि उसे बदनामी मिलेगी, उसे क्या पुलिस केस भी हो सकता है ना, उसका समाज में बहुत ज्यादा उसको अपशिष्ट झेलना पड़ सकता है। तो ये सब नेगेटिव इंडिकेशन आते हैं अगर मेल पर्सन होगा। और यही अगर तिल फीमेल के माउंट पे आएगा, फीमेल के वीनस के माउंट पे आएगा, तो सेम उसे यही सब चीजें उनको मिलेंगी और ये सब उन्हें दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हमको रेमेडी करनी चाहिए, इसके लिए रेमेडी हमको शुक्र की रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि तो शुक्र के माउंट पे जब काला तिल आ रहा है तो हमें शुक्र की जो रेमेडी होती है वो ये होती है कि हमको जो है क्रिस्टल की माला होती है जो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, क्रिस्टल की माला पे हम शुक्र का मंत्र का जाप करें डेली, एक माला सुबह करें। और जो शुक्र का मंत्र होता है वो होता है ओम शुम शुक्राय नमः। जब हम शुक्र का मंत्र क्रिस्टल की माला में करेंगे तो ये जो तिल है ये धीरे धीरे ढीला हो जाएगा, लाइट हो जाएगा और ये शुक्र के माउंट से गायब हो जाएगा। हमें ये रेमेडी करनी चाहिए। सेकंड चीज, तिल का जो आना होता है, अगर तिल कहीं पे भी आता है हाथ के अंदर, किसी माउंट पे या किसी लाइन पे या किसी और एरिया में आता है, तो राहु के प्रभाव को बताता है। क्योंकि तो ब्लैक तिल होगा तो ब्लैक कलर राहु का होता है, तो राहु के प्रभाव को बताता है। जब वीनस के माउंट पे काला तिल आया तो वो बताता है कि राहु का प्रभाव शुक्र पर है। राहु का प्रभाव भी शुक्र पे होगा तो इंसान क्या होगा, फीमेल्स के पीछे भागेगा और बदनामी से मिलेगी। तो ये नेगेटिव इंडिकेशन इस वजह से आता है। तो ये इसका मीनिंग होता है राहु का प्रभाव शुक्र पे आना, जिसके नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगी, उसे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो ये चीजें होती है। मैंने आपको रेमेडी भी बता दी, इसका मीनिंग भी बता दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आता हूँ एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।